सभी मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं तथा बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम 3 दिन से आपके भाग्यनगर में हैं, हैदराबाद में। यह तो हमारा एक रूटीन मीटिंग है, परंतु रूटीन मीटिंग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जब होता है तो मीटिंग रूटीन है, परंतु टॉपिक्स तो टाइम टू टाइम जैसे आवश्यकता के अनुसार आते हैं। आपको यहाँ पर 2 रेजोल्यूशन जो हमने 2-3 दिनों में पास किए वो आपको मिले हैं। तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, केरल ऐसे विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवादी और विशेषतः जिसको हिंदुत्ववादी कहा जाए ऐसे संगठनों के कार्यकर्ताओं पर इन राज्यों में निरंतर आक्रमण होता आया है, अटैक्स होते आए हैं। और मैं केवल कहूंगा कि केवल कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं, तो हिंदू समाज के सामने भी ऐसे कई असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एक्टिविटीज चलने वाली है, वो सब एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हम सबके सामने हैं। और इसलिए ये जो सारा इसमें वायलेंस हुआ है उसको लेकर एक स्टेटमेंट आज हम रिलीज कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा, जिसमें हमने सभी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में कहा है कि वो इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको ढूंढे, एक जुडिशियल जो भी करना है वो उसके बारे में एक्शंस ले, और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कैसे चलाए जाए वो दंडित किया जाए, और एक सामान्य जीवन जीने वाला जो सज्जन वर्ग है, समाज का वर्ग है, उसे यहाँ पर शांति और सुरक्षा यह एक सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकारों का है। हम उनसे आह्वान करते हैं कि वो एक सुनिश्चित करें कि यहाँ का जनजीवन शांतिपूर्ण, संयम से और सद्भाव के साथ चलता रहे, इसकी आवश्यकता है। ये काम, ये दायित्व, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड दे शुड ओबे इट, दे शुड फॉलो इट। हम लोग संघ के जो एक्सपांशन है काम का, उसके बारे में भी हम असेसमेंट करते हैं। इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर हमारे शाखाओं का नंबर्स बढ़ा है। हमारा ग्राम के संपर्क के भी नंबर्स बढ़े हैं। एट प्रेजेंट लगभग 44-45,000 इस प्रकार के विलेजेस में हमारा काम है, एंड मोर देन 70,000 हमारे यूनिट्स है। इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हमारा सारा जो काम चलता है वो इतने बड़ी मात्रा में है। हम सब जानते हैं कि संघ के काम में छोटे बालों से लेकर बड़े आयु के लोग भी आते हैं, और ये संख्या डेफिनेटली मोर देन 27 लैक्स आज की स्थिति में है। हम अपेक्षा करते हैं कि ये ग्रोथ है, ये हमेशा पॉजिटिव चलता रहता है, और
in next year, up to our next meeting in March, somewhere in Tamil Nadu, we are going to hold it. And I am sure, so we will reach that 75,000 villages in the month of March. तो यह एक संघ कार्य का एक प्रोग्रेस के रूप में आपके सामने रखा है। कई प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं, कई प्रकार के अच्छे इनिशिएटिव देश के अंदर होते हैं और कई प्रकार के चैलेंजेस भी है। संघ ऐसा मानता है कि आज इंटरनल चैलेंज के रूप में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सोशल हार्मोनी को लेकर एक चैलेंज हमारे सामने है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यहां पर होता है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द हिंदू सोसाइटी। और इसलिए यह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन समाप्त होना चाहिए। सारा समाज एक होकर खड़ा रहे इसकी आवश्यकता है। यहां पर महिलाओं का जीवन कई कारणों से आज एक असुरक्षित अनुभव करते हैं। नित्य प्रतिदिन इस प्रकार के और अत्याचार की घटनाएं हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। यह भी एक इसको भी कैसे रोका जाए, महिलाओं का जीवन कैसे सुरक्षित हो, यह भी एक एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम सबके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। आज कई प्रकार के इनिशिएटिव फिर एक बार उसको स्पीड अप करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, वृक्षारोपण ट्री प्लांटेशन के क्षेत्र में भी काम करने की आवश्यकता है। अभी गत वर्ष महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक संकट था जल का, और इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने सारे समाज को साथ में लेकर एक वाटर कंजर्वेशन का बहुत बड़ा काम किया है। विशेषतः जो मराठवाड़ा सेक्शन है उसमें 2-3 जिले बहुत ही प्रभावित थे। लातूर है, बीड़ है, उस्मानाबाद है, ऐसे जिलों में काम करते हुए और बहुत बड़ा काम संघ के स्वयंसेवकों ने समाज की सहायता से किया है और आज वहाँ पर स्थिति बहुत परिवर्तन आया है। हम इस सारे मीटिंग्स के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा हम समाज के सामने भी एक आह्वान कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छता अभियान का आह्वान किया है। जब तक सबका सहयोग इसमें प्राप्त नहीं होगा तब तक केवल एक सरकार इस स्वच्छता अभियान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी। सरकार की भी मंशा है, सरकार ने भी आह्वान किया है, हम लोग कोशिश करने में लगे हैं कि समाज इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर इस देश को स्वच्छ सुंदर बनाए, इस दिशा में कुछ पहल करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की और आगे भी कुछ एक्शन प्लान इसके ऊपर हम बनाएंगे, इस दिशा में यहाँ पर विचार हुआ है। मैं आप सब लोगों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली एक कंस्ट्रक्टिव रोल इस मीटिंग को लेकर आपके समाचार पत्रों के द्वारा जनता तक कुछ बातें पहुँचाई है। इसी प्रकार का हमेशा ही हम पॉजिटिव अप्रोच का हम स्वागत करते आए हैं। भविष्य में भी आपका सहयोग इन सारे विषयों में मिलता रहेगा इस विश्वास के साथ। और फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और यदि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं See, we don't have any role in that as a Sangha.
एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट दे मस्ट थिंक इट, दे मस्ट हैव थॉट, विट आई डोंट नो, परंतु ये इट्स ए वर्क ऑफ बीजेपी, इट्स नॉट ए आरएसएस, हम इसमें कुछ कहते नहीं हैं, उनको ही निर्णय करना है क्योंकि चुनाव उनको जीतना है। राम मंदिर का मुद्दा गत 30 वर्षों से फोकस में है, अभी नहीं है। हिंदू समाज चाहता है कि वहां राम का मंदिर बने, उसमें जो जो भी आज लीगल प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना चाहिए और हिंदू समाज के कल्पना के अनुसार वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन सारा अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां से डिसीजन आए ऐसी स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों की अपेक्षा है और राम मंदिर बनना चाहिए, हम सबकी इच्छा है भैया जी। भैया लेकिन मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि ये अभी फोकस में आया हुआ मुद्दा नहीं, सिंस लास्ट 1984 ये मूवमेंट देश भर में चल रहा है हमेशा ही, लेकिन केसेस लीगल पेंडिंग सब चलता रहता है, उसमें थोड़ा डिले हो रहा है ऐसा हमको लगता है। लखनऊ के कोर्ट के डिसीजन के बाद यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर राम के मंदिर के अलावा और कुछ भी होना मुश्किल है। भैया जी इधर, भैया जी इधर, मैं आपके लेफ्ट साइड पे हूँ। आप मोदी सरकार के बारे में आप समीक्षा करें या नहीं, अगर नहीं करें बल्कि आप बोलना चाहें तो, अगर आपका पर्सनल आपका कमेंट भी बोलना सर। हमें तो समय समय पर, केवल आज नहीं, एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी और एक डेमोक्रेटिक पैटर्न में सभी मतदाताओं को राज्य के देश के सरकार की समीक्षा करने का अधिकार है और इसलिए हम लोग भी चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, आखिर असेसमेंट हम करने से पर्याप्त नहीं होता है, गवर्नमेंट को ही अपने कार्य का असेसमेंट करते रहना चाहिए और समय समय पर हमें जो लगता है हम बहुत खुलकर ओपनली हम उसका अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं, परंतु एग्जीक्यूशन में हमारा रोल नहीं, एग्जीक्यूशन तो गवर्नमेंट को ही करना है। और मैं समझता हूँ कि ये समय समय पर संघ ने बार बार ऐसी जो आवश्यक बातें हैं वो सरकार के ध्यान में लाकर देने का काम किया है। देखिए ये एक तलाक का विषय जो चल रहा है वो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज का इंटरनल प्रॉब्लम है, इसके संदर्भ में मुस्लिम समाज ने भी बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। वहाँ पर मुस्लिम समाज की महिलाएं इस मांग को लेकर कोर्ट में गई है और इसलिए हम ये चाहेंगे कि आज के इस वर्तमान युग में किसी प्रकार का भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है, ये हमारी भूमिका पहले से रही है और इसलिए तलाक इस विषय को लेकर महिलाएं न्यायालय में जाए गई हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि उनको न्याय मिले, दे शुड गेट द जस्टिस प्रॉपरली। बाकी क्या हो इसका निर्णय, इसका विचार तो मुस्लिम समाज ने भी करना है और न्यायालय ने एक मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमैनिटी के नाते इसको सोचने की आवश्यकता है ऐसा हमको लगता है। इस देश में कॉमन सिविल कोड को लेकर भी हमेशा चर्चा चली है, हम हमेशा कहते आए हैं कि व्यक्तिगत जीवन में कहीं पर भी किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का काम लॉ के द्वारा होना चाहिए।
विदाउट डिस्टर्बिंग सोशल फैब्रिक, यह भी हम मानते हैं कल्चरल ट्रेडिशनल कुछ बातें रहती हैं, परंतु जिसके द्वारा समाज का नुकसान होगा ऐसे किसी विषय को और ठीक करने का काम अगर उसमें कॉमन सिविल कोड को करना है तो उन्होंने करना चाहिए। हम इसके बारे में, ये लीगल लॉ इस बार का विषय है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ लॉ कमीशन ने सबको अपील की है अपने अपने ओपिनियन रखे, इंडिविजुअल भी ओपिनियन रखेंगे, और उस ओपिनियन को ध्यान में लेकर लॉ कमीशन ने अपना अभिप्राय, अपना ओपिनियन इसको लेकर बनाना चाहिए ऐसा हमको लगता है। देखिए ये पाकिस्तान में क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करके क्या करेंगे। अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उनके देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही है तो वो उसको वो डील करें। उसके कारण भारत के और पाकिस्तान के आसपास के देश इस टेररिज्म के शिकार बने ये तो कतई भी स्वीकार नहीं है। अगर उसका टेररिस्ट का ट्रेनिंग सेंटर और बाकी सारे बातें पाकिस्तान में हैं ऐसा अगर दारी दुनिया को लगता है तो इस आशंका को दूर करना ये पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है, उन्होंने इसको ठीक करने की आवश्यकता है। पर दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के अंदर भी सामान्य जनता, कॉमन मैन इस टेररिज्म से प्रभावित हो रहा है, ये समाचार पत्रों से हमको ध्यान में आता है। तो पाकिस्तान ने अपने देश की जनता की भी चिंता करनी चाहिए और इसके सब प्रकार की बातों का अगर केंद्र आशंका है कि पाकिस्तान केंद्र बन रहा है तो अवर बहुत प्रामाणिक अभिप्राय है पाकिस्तान सरकार ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए हमारी पहले से भूमिका रही है कि देश के अंदर अच्छे इकोनॉमिस्ट है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम इकोनॉमी के हम नहीं हैं, इसलिए इकोनॉमिस्ट जो है वो जो सोचते हैं उनका इसमें एडवाइस लेने की बात आती है वो लेनी चाहिए। क्या लॉन्ग टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है, केवल शॉर्ट टर्म का विचार न करते हुए लॉन्ग टर्म रिफर्गेशन क्या क्या हो सकते हैं इसको देखकर ही सरकार ने निर्णय करने चाहिए। पर इसमें एक्सपर्ट्स का विषय, ये पॉलिटिकल विषय न बने, एक्सपर्ट्स के द्वारा इसका सलाह लेना चाहिए। जेनेटिक सीड्स का जो विषय आया है इसके संदर्भ में सारे दुनिया में आज एक रीथिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, दुनिया के साइंटिस्ट इसमें डिवाइडेड है, भारत के अंदर भी है, और इसलिए यह एक बहुत साइंटिफिक विषय होने के कारण, और इसमें मैं उनके प्रामाणिकता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाऊंगा, परंतु साइंटिस्ट का भी एक ओपिनियन नहीं है, इसके लिए एक थोड़ा प्रश्न जरूर है। हम इतना ही चाहते हैं कि भारत के कृषि के संदर्भ में एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को ऐसे नई बातें स्वीकार करते समय उसके लाइट्स में करना चाहिए, उसके प्रकाश में कोई भी पॉलिसी एक्सेप्ट एडॉप्ट करनी चाहिए। सीड्स के कारण केवल अनाज का उत्पादन बढ़ेगा इतना न सोचते हुए ये भूमि की जो सॉइल है उसका भी किसी प्रकार से नुकसान न हो, यहाँ का किसान उसके स्वावलंबन पर संकट न आए। आज समस्या उसी के कारण है कि किसान हर छोटी बात के लिए बड़े इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होता जा रहा है, और हमारे सॉइल का जो डिटोरिएशन आया है इसका भी साइंटिस्ट लोगों ने और पॉलिसी मेकर्स ने इस पर विचार करके ही कोई डिसीजन लेने चाहिए। वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट वे, बट हमारा अपेक्षा प्रार्थना जरूर है कि साइंटिस्ट लोग इसको केवल शॉर्ट टर्म के दृष्टि से न देखते हुए लॉन्ग टर्म विचार करके पॉलिसी बनाना चाहिए। सर, 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 सर,
What is Hanga stand to us? Our stand is very old stand on the भारत में सभी लोगों ने यहाँ के ही माल खरीदना चाहिए, ये हम पहले से कहते आए हैं। केवल चाइनीज क्यों, हम तो कहते हैं कि जिसका अल्टरनेटिव्स ऊपर अवेलेबल है उस अल्टरनेटिव्स को हम लोग देखें कि ये इंडियन प्रोडक्ट्स है। कुछ होता है जिसके लिए अल्टरनेटिव नहीं है, उसके लिए हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर भारत को केवल मार्केट समझकर अगर कोई यहाँ पर आकर यहाँ के इकोनॉमी डिस्टर्ब करता है तो देश के लिए भी संकट होता है। इसलिए हमारा तो मानना है नॉट ओनली चाइनीज प्रोडक्ट बट पीपल शुड परचेज नेचुरल, यहीं के उत्पादनों को खरीदना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह बहुत पहले से रहा है, आज भी है। दो सवाल भैया जी। देखिए वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बहुत पहले से ही गौ रक्षा के बारे में बात करता आया है, कहता आया है। अभी जो दशहरे पर, विजयादशमी पर जो नागपुर में भाषण हुआ उसमें भी कहा गया है कि गौ रक्षा ये केवल इमोशनल नहीं तो देश के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहाँ पर गौ रक्षा अवश्य रूप से होनी चाहिए, गौ रक्षा करने वालों को संरक्षण मिलना चाहिए, यही बात हम कहते आए हैं। और स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इंडिजिनियस यहाँ की जो ब्रीड्स है उसको और अधिक डेवलप करने के नाते सरकार ने कुछ कदम उठाने चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है, यह हमने अपेक्षा व्यक्त की है। हम केवल यूपी के बारे में चिंतित नहीं, सारे देश भर में ऐसे सेंसिटिव एरियाज बढ़ रहे हैं, ये हम सबके लिए चिंता का विषय। केवल यूपी के बारे में बात करना ये उचित नहीं, पूरे देश भर में आज हमने जो अभी स्टेटमेंट निकाला है और जो हमने प्रस्ताव पारित किया है, केरल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, कर्नाटक जैसे पीसफुल स्टेट में भी आज समस्या खड़ी हो रही है, तो यह एक सेंसिटिव एरियाज बहुत बढ़ रहे हैं, यह हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। केवल हम यूपी के बारे में, केवल यूपी के बारे में हम नहीं कहेंगे, सारे देश के बारे में हम लोगों ने विचार व्यक्त किया है। सिविल कोर्ट से एक सवाल है, देवराज जी के टाइम से एक संघ की मांग रही है कि जब मानवाधिकार आयोग देश में बन गया है तो अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करना चाहिए, उस पर क्या संघ दोबारा से आगे बढ़ेगा अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करने की मांग पर? देखिए कुछ बातें जब शुरू हो जाती है तो उसको बंद करना भी जिन्होंने शुरू की उनके लिए थोड़ी मुसीबत बनती है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही माइनॉरिटी मेजोरिटी ये शब्द नहीं थे, ये लाए गए, और जब ये लाए गए तब से कुछ प्रॉब्लम्स निर्माण हुए, इसलिए फिर एक बार अगर उनको पीछे जाना पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में से ही माइनॉरिटी मेजोरिटी इसको करके जो समाज में, पूरे भारत के लोगों में जो डिवीज़न के हो रहा है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत राइट स्पिरिट से इसको कहा था, उसका प्रारंभ ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने के बाद ये माइनॉरिटी मेजोरिटी कहाँ से आता है, परंतु अनफॉर्चुनेटली ये आ गया, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। वो अगर होता है तो फिर सब प्रकार की जो बातें आपने बताई वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। भैया जो पाकिस्तान आर्टिस्ट का जो है जो हिंदी काम नहीं करना कुछ लोगों का ये मानना है, तो आरएसएस का क्या मानना है, काम कर सकते हैं अगर करें तो कैसे करें, या हमें बैकवर्ड करना चाहिए, जो आरएसएस का स्टैंड है पाकिस्तान आर्टिस्ट का फिल्म काम करना है। देखिए ये इसके संदर्भ में थोड़े सभी ने उदारता से भी सोचना चाहिए और प्रामाणिकता से भी सोचना चाहिए। आज चर्चा भारत के अंदर जिस प्रकार की है पाकिस्तान में बिल्कुल विपरीत चर्चा है।
पाकिस्तान के कलाकार अगर कहते हैं कि हम भारत के किसी सिनेमा में जाकर काम नहीं करेंगे, तो भारत उनका स्वागत करने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? क्या हमारे यहाँ कलाकारों की कमी है? और यहाँ पर जिन्होंने कहा है कि हम अपने भारत के ही कलाकारों के आधार पर और फिल्म्स बनाएंगे, वो बड़ा स्वागत योग्य कदम है। ऐसे कला के क्षेत्र में भी हम दूसरे देशों के कलाकारों पर निर्भर क्यों रहे? मैं समझता हूँ कि इसमें ये डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान के कलाकार ये कह रहे हैं कि हम भारत में किसी सिनेमा में काम नहीं करेंगे, तो भारत को कहने का सवाल ही कहाँ रहा? इसलिए मुझे लगता है कि कला के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांततः बिल्कुल सत्य है, कलाकार अंतर्राष्ट्रीय होता है, कलाकार सब प्रकार की भौगोलिक सीमाओं को छोड़कर होता है, पर जब उसमें भी सब प्रकार के विकृति आती है, उसका हम अनुभव आज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिद्धांततः इसमें किसी प्रकार का भी भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर कुछ समस्या आती है तो उसका कोई भी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है, समय समय पर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। भैया जी अब देश में देश में सामाजिक न्याय चल रहा था, आपका समावेश में भी सामाजिक न्याय में एक रेजोल्यूशन भी पास करें। अब ये इसमें आरएसएस का चातुर्वर्ण व्यवस्था और मनुधर्म से कुछ तो भी आरएसएस चेंज हो गया क्या? ये चेंज नहीं हुआ है। संघ ने बहुत पहले से कहा है कि जन्म के आधार पर जाति और जाति के आधार पर भेदभाव ये अमानवीय है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए जन्म के आधार पर जाति, ये जो भारत के अंदर आज अवस्था बनी है, उसका हम विरोध करते आए हैं। इसलिए बाला साहेब देवरे जी ने भी कहा था कि ये समूल नष्ट होना चाहिए, ये विषय समाप्त होना चाहिए। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न द प्रॉब्लम, ये सोशल प्रॉब्लम है। इसको सोशल लीडरशिप ने और जो रिलीजियस लीडरशिप होता है, उन्होंने इसको इस संदर्भ में सोचने की आवश्यकता है कि दिस डिस्क्रिमिनेशन, हाउ वी आर गोइंग टू डील द सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम ओनली कैन बी सॉल्व विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। भैया जी अखंड भारत अखंड भारत दिस इज लास्ट क्वेश्चन। साई बाबा इज नॉट ए गॉड इन सम स्वरूपानंद स्वामी जी सेड, सो दैट्स व्हाई साई बाबा इज आवर आवर आप क्या मानते हो ये भी सोचिए। ऐसा है, हम तो हर मनुष्य को भगवान मानते हैं, तो साई बाबा भी भगवान है। मनुष्य प्राणी, हर प्राणी में ईश्वर अंश है, ये हम कहते आए हैं। इट्स ए हिंदू फिलॉसफी, और इसलिए प्राणी मात्र में ईश्वर, साई बाबा भी ईश्वर। अब उनको ईश्वर मानना, उनके मंदिर बनाना कि नहीं बनाना, वो उनके भक्तों पर निर्भर करता है। इसमें कोई डिबेट है होना चाहिए ऐसा हमको नहीं लगता है। बहुत बहुत देखिए, इसमें अपना अपने देश में किसी भी इशू को पॉलिटिसाइज करना, वी आर एक्सपर्ट इन दैट। व्हेन आई से वी ऑल, एक सरकार है, एक आर्मी है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है। तो सरकार ने निर्णय लिया, एक्शन तो मिलिट्री को लेना है, इसलिए सरकार के निर्णय की भी हम सराहना करना चाहिए कि एक जो एक भय का वातावरण था, उसका बहुत शक्ति के साथ वर्तमान सरकार ने इस सर्जिकल अटैक का निर्णय किया। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है वो तो सेना के और शक्ति के ऊपर हुआ है, इसलिए यह
सेना का भी इसमें गौरव है और स्वाभाविक रूप से सरकार ने निर्णय लिया, सरकार भी इसके लिए गौरव की पात्र है, ऐसा हमको लगता है। और मैं समझता हूँ कि समय की भी सीमा और विषय तो कहीं आते रहेंगे, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत निकट 2 दिन के बाद देश में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। ये दीपावली का संदेश ही है, सब अंधकार समाप्त हो, प्रकाश युग प्रारंभ हो। मैं समझता हूँ कि इस प्रकाश के काल का हम स्वागत करें और इस प्रकाश को, देश के समाज को अधिक प्रकाशमान बनाने के लिए हम सब लोगों की शक्ति ऊर्जा लगे, यही अपेक्षा है। आपको इस दीपावली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।